आप आज हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना रहे हैं। सन 1949 में इस दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। यह प्रसन्नता का विषय है कि धीरे धीरे हिंदी को राष्ट्रीय गौरव प्राप्त होता जा रहा है। भारत देश में अनेक उन्नत और समृद्ध भाषाएं हैं, किंतु हिंदी सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र में और सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा है। हमने आज तक देखा है, देख रहे हैं, विश्व में कई बड़े बड़े नेताओं ने लोगों के दिलो दिमाग पर काबू पा लिया है। वो भाषा के दम पर ही भाषा का उपयोग कैसे करना है, कहाँ करना है, इसका ज्ञान उन्हें अधिक था। मैं अपनी बात को आपके सामने प्रकट करने से पहले ये बता दूं कि मैं कम से कम समय आपका लेना चाहती हूँ, ठीक है? हर साल हम हिंदी भाषा दिन मनाते हैं। उस दिन उत्सव मनाने की बजाय हिंदी भाषा को लेकर चिंताएं, उसके पतन की ही बातें हम ज़्यादा करते हैं। ऐसा लगता है कि भाषा खत्म होने की कगार पर है। यह घोर निराशावादी वातावरण है। हम जानते हैं समय और शब्द दोनों का प्रयोग हम लापरवाही से ना करें। शब्दों की सार्थकता प्रयोग में है। इस विचार बिंदु को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। एक सूत्र को लेकर अनेक विचार करना चाहती हूँ, नई सोच की दस्तक देना चाहती हूँ। आप अगर लिखना, पढ़ना, सुनना और बोलना इन चार स्तरों के साथ भाषा से दोस्ती करोगे तो आप एक भाषिक व्यक्तित्व को प्राप्त करोगे। आप भी सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध हो जाओगे। जैसे कि एक विचारवंत बेंजामिन डीज ने कहा है कि किसी विषय से अच्छी तरह परिचित होने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस पर आप एक पुस्तक लिख दें। इसका सीधा सा अर्थ है कि ज़्यादा सोचें, ज़्यादा समझें, उपयोग में लाए, यही हिंदी भाषा को उसके महत्व को बढ़ाकर सर्वदूर प्रचलित करने के लिए नए अर्थ को खोजना आवश्यक है। मेरा ये मानना है कि भाषा क्या मुझे सीधी सहजता से नैसर्गिक भावनाओं को समाहित करने वाली भाषा को मुझे लिखना या बोलना आता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भाषा के संबंध को पहले हम देख लेते हैं। मनुष्य और समाज के लिए आवश्यक भाषा माध्यम को हम कम ना समझें। हिंदी भाषा के प्रति चिंताओं को जरूर समझें। इसके साथ वास्तविकता को देखना जरूरी है। भाषा का महत्व बढ़ रहा है, उसकी ज़रूरत बढ़ रही है, भाषा अभिज्ञता बढ़ रही है। आप देख लीजिए, कोई भी जनसंचार माध्यम की सफलता निश्चित होती है तो वह भाषा में विविधता और उपयोगिता का कारण ही। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इन दिनों ब्लॉग के जरिए व्यक्त विचारों को पढ़ा जा रहा है। इसके साथ ट्विटर, सोशल नेटवर्किंग साइट काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। भारतीय परिवेश में आज दूरदर्शन तक भाषा की नई दिशा और दशा तैयार करने वाला माध्यम बन गया है। इससे अपनी नई भाषा को जन्म दिया है। मैं भाषा जनमानस पर विशेष प्रभाव डाल रही है। इससे तो स्पष्ट है कि माध्यमों ने भी भाषा बदलाव को जरूरी समझा है। स्पर्धा में बनाए रहने की होड़ भी है। मेरे दृष्टिकोण से इन वास्तविक प्रयासों को एक विशिष्ट प्रयोजनों के अंतर्गत देखना चाहिए। सिर्फ स्कूल महाविद्यालय का एक विषय भाषा नहीं हो सकता। केवल साहित्य का माध्यम भाषा नहीं है। आप आज जो भाषा बोल रहे हो, मिक्स भाषा, वह बुरी नहीं है। बस आजकल शब्दों का संक्षिप्त रूप ज़्यादा प्रचलन में आया है। युवा वर्ग इसे ज़्यादा पसंद कर रहा है। इसमें आपको मैं एक उदाहरण के साथ बताना चाहूँगी कि जैसे कि आप लोग कहते हैं ना, HBD, हैप्पी बर्थडे, TY, थैंक यू, ASAP, एज सुन एज पॉसिबल, इस प्रकार की संक्षिप्त शब्दों का प्रचलन
दिन ब दिन बढ़ रहा है और वो लोकप्रिय भी होता जा रहा है। मैं तो इसे प्रयत्न लागव भाषा कहती हूँ। आखिर भाषा का विकास उसके प्रयोजनों से ही होता आया है। उसका अस्तित्व ही समाज के उपयोगिता पर ही निर्भर है, उसकी आवश्यकताओं पर ही है। भाषा की उपयोगिता को क्यों न हम अलग रूप के बारे में सोचें? अगर हम आज के संदर्भ में देखें, हर व्यक्ति अपने भावों, विचारों, इच्छाओं का संप्रेषण अधिकतर भाषा के माध्यम से ही करता है। मेरा यह कहना है कि हमारे अनुभवों से समाज को अवगत कराना चाहते तो आनंदमूलक साहित्यिक हो या वेदना, पीड़ा के अनुभव, हमारी बात कोई सुन रहा है, समझ रहा है, इसमें सुधार हो रहा है, यही आनंद है। अनुभव संपन्न भाषा को ही नई सोच की दस्तक कहना उचित होगा, ताकि हमें केवल साहित्यिक आनंद ही न दे वरन रोजी रोटी का लोकप्रिय माध्यम भी बन सके। किसी भाषा को देखने के तीन संदर्भ होते हैं। उस भाषा का अपना क्षेत्रीय संदर्भ, राष्ट्रीय संदर्भ और उसका अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। 21वीं सदी में हिंदी भाषा का स्वरूप बदल रहा है। यह भाषा शुद्ध अशुद्ध के परे है। उसका उद्देश्य ही अपनी बात का सही संप्रेषण करना है। इसमें भावना महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि मुक्तिबोध कहते हैं कि अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब। हम देखते हैं कि निजी FM पर हर शहर में स्थानिक शहर की खबरें गपशप गीतों के साथ पेश किए जाते हैं। हर उम्र के लिए अलग कार्यक्रम। इस कारण टपोरी भाषा संवाद की निरंतरता, बदलती रुचि को ध्यान में रखकर कार्यक्रमों में परिवर्तन होते रहते हैं। इस तरह मिश्र भाषा का संवाद जनता के हर क्षण के साझीदार होते जा रहे हैं और लोकप्रिय भी होते जा रहे हैं। इस बाजार की मांग को रोजगार में तब्दील कराने वाली भाषा का क्यों न प्रयोजन मूलक मिश्र भाषा के रूप में जाना जाए। बाजार तय कर रहा है समाज को क्या पसंद है क्या नहीं, ताकि लोगों का टाइम पास आराम से हो सके। टाइम पास तो तकिया कलाम बन गया है, जिसे देखो नतमस्तक हुआ है। अपने सेलफोन के सामने हम 24 घंटे जुड़े रहने का जो हुनर हमारे अंदर पैदा किया है और हमारी सृजनात्मकता को व्हाट्सएप वाणी के जरिए नई भाषा प्रदान की है। इस टाइम पास वाली भाषा में आज का सुविचार, चुटकुले, किस्सा गोई या खास मौकों पर टिप्पणी आदि की जाती है। इस व्हाट्सएप वाणी के लिए एक थॉट, जिसे विचार को प्रस्तुत करना, उसके लिए जिस भाषा का हम उपयोग करते हैं, ऐसों को तो मोबाइल कंपनियां रोजगार उपलब्ध करवा रही है। बस टाइम पास वाली भाषा को प्रमोट करना प्रयोजन मूलक ही तो है, नई सोच है। हिंदी भाषा को बाजार ने उसे उपभोग सामग्री के रूप में बदल दिया, मनोरंजन चाट का लुत्फ लेने लगा। उदाहरण के रूप में देखिए कि मशवरा तो खूब देते हो, खुश रहा करो, कभी वजह भी दे दिया करो। दूसरा है कि जिस घाव से खून नहीं निकलता, समझ लेना वो जख्म किसी अपने ने ही दिया है। इस प्रकार की भाषा है। समय के साथ पहनावे, सोच, विचार आदि बदलते रहे हैं और तो भाषा क्यों नहीं। नई सोच के साथ कई धारावाहिक वैचारिक बदलाव के कारण बने जाते हैं। उसमें संवादों की भाषा बहुत मायने रखती है। नए किस्म के संवादों को पेश करके बदलाव की नई दिशा को अपनाते नजर आ रहे हैं। जाहिर है नई सोच की दस्तक को महसूस कर रहे हैं। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक जीवन तक प्रेम कथा साहित्य हमेशा से महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय रहा है। इस विषय को कुछ नया तड़का देकर या यूं कहें कि प्रेम के अछूते रहे पक्ष को प्रसारित करें और नई भाषा का प्रयोग करें, यह भी एक नई सोच होगी। हम
टाइम पास वाली भाषा की प्रासंगिकता को क्यों नहीं समझ पा रहे। मुझे ऐसा लगता है कि क्यों न हम आज की स्थिति में भाषा को स्वावलंबी, रोजगारपरक तथा सृजनात्मक बनाने की आवश्यकता है, इस पर ज़्यादा गौर करें। हिंदी भाषा इन्हीं नए आयामों की खोज कर रही है। इस तरह मुझे लगता है कि क्यों न एक अलग रूप के बारे में सोचे। हमारे चिंतन का लक्ष्य मनुष्य और उसका जीवन रहा है। इस चिंतन की सार्थकता प्रश्न के उत्तर मिलने में नहीं होती, प्रश्न से जूझने में होती है। नई सोच में चिरंतन जिज्ञासा होनी चाहिए और इससे शोध जारी रहता है। बोधगम्यता के आधार पर ही भाषा बदलती रहती है। अपनी बात को अल्पविराम देने से पहले सिर्फ आपके लिए ये कहना चाहूँगी कि भारतीय भाषाओं में अनेकता में एकता का चित्रण हमें इस थोड़ी सी काव्य पंक्ति में मिलता है, वो जरा गौर से देखिए। बोले गुजराती मैं हूँ मन की रानी, 5 करोड़ की दिल की जुबानी, कहे राजस्थानी मैं हूँ राजवाणी, कोई नहीं है मेरा भारत में सानी, पीछे कैसे रहती बिहार की बिहारी, बोलने में हूँ सबसे न्यारी, जोश में आकर बोले मराठी, मैं चलाती सब पर अपनी मनमानी, पंजाबी का जो क्या कहना, मैं तो लोगों के दिलों का गहना, मैं हूँ बंगाली आंदोलनकारी, रसगुल्ले सी मीठी और प्यारी, उर्दू बोली उर्दू की तो यही एक कहानी, देती हूँ हर दम कुर्बानी, फिर चुप कैसे रहती प्यारी हिंदी वाणी, बोल उठी वो अब्दुल की जुबानी, देश की एक यही है भाषा जिसमें यह सब कुछ आता, मैं हूँ सबकी माता, मेरा रहेगा राष्ट्रभाषा का नाता। धन्यवाद।